हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ गज़ीबो ढाबा अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो देखते कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं और बाहर से ही देखने में काफ़ी नीट क्लीन ऑर्गेनाइज लग रहा है और काफ़ी अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड लग रहा है। 8108। तो यहाँ पे सबसे पहले रिसेप्शन पे आपको अगर बुकिंग है तो उसके बारे में आपको असिस्ट करेंगे, बताएंगे, वरना आपको बुकिंग करके और कौन असिस्ट करेगा वो सारी डिटेल्स देते हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड में जाइए, शबनम होगी वो आपको असिस्ट। ओके, थैंक यू। तो ये एंटर हो रहे हैं हम लोग। काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो यहाँ पे ऐसे टेंट्स हैं, विल गो अपस्टेयर्स, यहाँ पे बैठ विल गो अपस्टेयर्स फैमिली, और ऊपर भी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ नीचे जनरल सेक्शन है जहाँ पे सब बैठते हैं। बच्चों के लिए भी टॉयज हैं, कार्स हैं और राइड्स हैं उनके लिए, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो आगे चल रहे हैं वो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि किधर बैठना है, क्या है, तो देखते हैं। एक्चुअल में हम लोगों को ऊपर ही बैठना है तो इसलिए वो बता रहे डायरेक्शंस। ओके, थैंक यू। तो ऐसे रेस्टोरेंट डाइनिंग भी था लेकिन हम लोगों को ढाबा स्टाइल मतलब कैनोपी में ही बैठना था, तो इसलिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये स्टेयर्स से ऊपर जाना है और देखते चलते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी जगह है इन ऑल अगर देखा जाए तो, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ से पूरा ढाबा आपको दिख सकता है, देखिए काफ़ी बड़ा ढाबा बनाया है और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स फैमिली डिनर के लिए, और हाईली रिकमेंडेड है ये जगह, आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आई गेस यहाँ पे पार्टी होने वाली है, लाइक बर्थडे पार्टीज और दूसरे एंगेजमेंट वगैरह का भी ये लोग ऑर्डर लेते हैं, डेकोरेशन करके देते हैं। तो हम लोग यहाँ तो नहीं बैठेंगे, तो हम लोग दूसरे साइड आ गए हैं। ये भी फैमिली सेक्शन है एंड देख सकते हैं आप, काफ़ी प्रिटी है। तो हम लोग यहाँ बैठने वाले हैं, चलो मेन्यू देखते हैं। नहीं, ये डिपार्टमेंट मेरा है और तस्लीम का भी है थोड़ा थोड़ा। क्या पहले कुछ ड्रिंक्स मंगाते हैं, पहले ना ड्रिंक्स। ये है मेन्यू कार्ड और काफ़ी अच्छा क्विजीन है यहाँ पे, टर्किश, लेबनीज, मुगलई और इंडियन सब कुछ है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका मेन्यू, यहाँ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप चाहें तो आप लोग वीडियो को स्लो करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि मेन्यू कार्ड में क्या क्या रेसिपीज़ हैं, क्या क्या डिशेस हैं और प्राइस क्या है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने मेरे लिए सबसे पहले पीच मोइटो ऑर्डर किया एंड इट वाज रियली रियली गुड। और अभी हमने ऑर्डर किया है मलाई और मलाई टिक्का और लेबनीज चिकन समथिंग कुछ था, ये काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी सॉफ्ट जूसी, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है ना। और डेजर्ट में हम लोगों ने ऑर्डर किया सिजलिंग ब्राउनी विथ आइसक्रीम और गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम, जो अगेन बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। सो
स्टार्टर्स और डेजर्ट इतना मतलब हैवी हो गया कि हम लोग मेन कोर्स तो खा ही नहीं पाए, तो दैट्स इट। और कुछ 1500 के बीच में बिल बना था। तो अभी डिनर हो गया, अभी हम लोग थोड़ा ये जगह एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ क्या क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हम लोग। तो सामने जो आपको दिख रहा है वो किचन एरिया है, यहाँ पे सारा कुकिंग होता है। या वी आर हेडिंग होम, इट्स टू अर्ली, इट्स टेन। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।